सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त तुषार एशन। आप सभी लोग देख रहे हो पोपी फार्मास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नया अपडेट, रूमर्स, मर्चेंडाइज दिखाने वाला हूं। वीडियो को देखना है अंत तक। वीडियो के अंदर बहुत सारे अपडेट है, उसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर पोके क्विज भी है। तो वीडियो अंत तक देखेगा, पोके क्विज का आंसर दे दीजिएगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी हर दिन पोकेमॉन का अपडेट एंड रूमर्स वीडियो देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पहल इतना तो कर ही सकते हो, एक ही हम लोग पोकेमॉन फैंस हैं तो हम एक दूसरे को मदद जरूर करते हैं। और एक बात, गैरियोक के बारे में भी बहुत बड़ी एक अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि आपको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और आप बहुत सरप्राइज भी हो जाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के बाद। पिछले जो वीडियो था उस अपडेट के वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से पूछा था इस पोकेमॉन का नाम क्या है। तो पोकेक्विज का आंसर बहुत सारे फैंस ने दिया था, पोकेमॉन फैंस ने। सो उन लोगों में से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट किया हो, उनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो जिस जो पांच लोगों का नाम यहाँ पर है। विनायक राणा, मिखाइल कुमार, क्रिश एम पटेल, यूट्यूब गॉड्स एंड पोकेमॉन मास्टर। सो ये पांच लोग है विनर। आज की पोके क्विज ये है कि इस पोकेमॉन का नाम क्या है, इसका टाइप जरूर मेंशन करना एंड उसके साथ साथ इसका जनरेशन भी मेंशन करना। ये तीन चीज़ आज का पोके क्विज है, सो तीन चीज़ ज़रूर बताना। तो चलो, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको देखना है पोकेमॉन एनिमे और पोकेमॉन डब एपिसोड और पोकेमॉन सब एपिसोड, पोकेमॉन जानिस का एपिसोड, पोकेमॉन कोई भी एपिसोड हो, तो आप जाके इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। मैं कल इस वीडियो क्रिएट किया हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके पास और एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, आपको कितना ज़्यादा लगता है कि सरीना रिटर्न आएगा इन पोकेमॉन जानिस सीरीज, और आप कितना चाहते हो सरीना का रिटर्निंग के लिए? सो ये दो चीज़ आप जरूर मेरा कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कर देना, मैं आपका डिसीजन ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं मर्चेंडाइज के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो मर्चेंडाइज के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है ईवी, इलाबोम, इंटेलियन एंड सिड्रेस, बट उसके साथ साथ एक वेनिसॉर भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि सारे पोकेमॉन के बारे में हमको पता है, बट ये जो वेनिसॉर है इसके बारे में कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। मुझे लगता है इन फ्यूचर इस वेनिसॉर हमको पोकेमॉन एनिमे पर देखने के लिए मिलेगा। और इसके रिलेटेड और एक चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ ऐश का दो पोकेमॉन लुखारियो एंड गेंगर बहुत जल्दी हाईलाइटेड होगा इन पोकेमॉन एनिमे, आप सही सुने हैं। सो मैं बहुत दिनों से लुखारियो को मिस कर रहा हूँ एंड गेंगर का जो पावर का जो काट किया है ना पोकेमॉन कंपनी ने, उसको मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तो आई थिंक गेंगर को और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहिए था और क्या। सो इसके साथ ही साथ और एक पोस्टर मैं आपको मर्चेंडाइज आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर वेनिसॉर को आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीन स्टार्टर पोकेमॉन खेल्टो का और यहाँ पर है वेनिसॉर और भी क्या बोलते हैं मेगा ब्लेशन। इसके साथ साथ ये जो वेनिसॉर है बहुत जल्द हमको एनिमे पर देखने को मिलेगा। किस ट्रेनर के पास वेनिसॉर था आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। उसके साथ साथ बहुत जल्द हम लोग जैक रॉम को भी पोकेमॉन एनिमे पर देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ कुछ जो जाइगेंटिमैक्स पोकेमॉन है उसको भी हमको पोकेमॉन एनिमे पर अपेयर होने पर देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ और एक मर्चेंडाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दिक्कत मुझे थोड़ी सी अजीब फील हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि जो गैलेरियन पोनीटा है उसका एपिसोड तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो क्या है फ्यूचर में और एक बार आएगा और कहाँ उसको पकड़ लेगा, तो क्या लगता है? उसके साथ साथ
और एक मर्चेंडाइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस मर्चेंडाइज के अंदर कुछ नया चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये कार्ड का रूप में है, बट अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको एक लेजेंडरी एक मिथिकल पोकेमॉन देखने के लिए मिल रहा है। उसके अंदर क्रॉस भी है, हो सकता है ये दो पोकेमॉन हमको एनीवेयर भी देखने को मिल जाए। आपको तो पता है मर्चेंडाइज के साथ एनीवेयर जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि मर्चेंडाइज पर जो आएगा अगर वो चीज़ एनीवेयर दिखाएगा तो मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा बिकता है, तो इसलिए ये चीज़ है। उसके साथ साथ और एक मर्चेंडाइज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, डायरेक्ट पोकेमॉन एनिमी के साथ रिलेटेड है। इस मर्चेंडाइज पर जूम करके हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पोकेमॉन जो टीम रॉकेट का बॉस को देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ साथ टीम रॉकेट का जो ब्लास्ट होता है, जो उड़ कर जाता है, वो भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आई होप पोकेमॉन टीम रॉकेट के जो ब्लास्टिंग ऑफ अगेन वो चीज़ हमको फिर से पर देखने को मिल जाए, और टीम रॉकेट का बॉस भी हम लोग एनिमी पर देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर जूम करके देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर टीम रॉकेट है और चार पोकेमॉन को देखने के लिए मिल रहा है। एक है गोस्ट टाइप, एक है फ्लाइंग टाइप, एक है स्टील टाइप, और जो नंबर फोर है उसको हम लोग देखने के लिए नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक है। तो ये तीन पोकेमॉन हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। उसके साथ साथ और एक मर्चेंडाइज है जिसके अंदर आपको कुछ आदि चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में सन एंड मून का कुछ पोकेमॉन देखने के लिए मिल रहा है, जनरेशन 7 का। उसके साथ साथ यहाँ पर जो गैलेरियन का जाइगेंटिमैक्स फॉर्म भी देखने के लिए मिल रहा है, और इसके साथ साथ नीचे की तरफ ऐश एंड गो भी है, और ऊपर की तरफ जो राइट हैंड पर आप देख सकते हो यहाँ पर जैक्रॉम भी देखने के लिए मिल रहा है पिकाचू के साथ। सो आई होप कि जैक्रॉम पोकेमॉन एनी पर आ जाएगा, और उसके साथ साथ गैलेरियन पोकेमॉन भी हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। गैलेरियन बार्ड पोकेमॉन जैप्टोस मल्टीसैंड आर्टिकुनो बहुत जल्दी हम लोग एनी पर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पोकेमॉन एनिमी के अंदर गैरी ओक आया था इन एपिसोड 68। सो इसी रिगार्डिंग मेरे पास एक बहुत ही अच्छा खासा अपडेट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको आपने देखा गैरी ओक को एनिमी पर, उसी तरह मांगा के अंदर भी गैरी ओक अपीयर हो चुका है और गो को अच्छी तरह से बजाया भी है। तो देखो आप देख ही सकते हो मांगा के अंदर गो का जो मुंह है वो बहुत ही अजीब तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, और गैरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। बहुत जल्दी हम लोग गो का जो पास्ट है उस पास्ट को लेकर, क्या है आप बोल सकते हो चाइल्डहुड को लेकर एक एपिसोड भी क्रिएट होने वाला है। तो आई डोंट नो कौन सी एपिसोड होगा, कौन सी क्या इसे पोकेमॉन म्यू जो म्यू है प्रोजेक्ट म्यू के आर्क के अंदर होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट बहुत जल्दी गो का जो चाइल्डहुड है उसको लेकर एक एपिसोड क्रिएट होने वाला है। तो आई डोंट लाइक दिस थ्योरी, सो देखते हैं क्या होता है, अगर ना हो तो ही बेहतर, बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कफ्फू भी बहुत जल्दी हम लोग एनिमी पर देखेंगे। इस बार कफ्फू ऐश का ये है भाई, आप देखो कफ्फू ऐश ही पकड़ेगा, एंड मुझे लगता है ऐश ही से पकड़ सकता है। नेक्स्ट है ऐश का पोकेमॉन, या ऐश को बिजी और बहुत जल्दी रीजन रिटर्न आ सकता है, मेरी सबसे 50-50 चांस है। सो देखते हैं क्या होता है एंड एपिसोड के अंदर क्या होता है आने वाले एपिसोड के अंदर। उसके साथ साथ एपिसोड 70 के अंदर एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है, क्योंकि मुझे लगा था जब एपिसोड 70 आया था मुझे लगा था कि गो पकड़ लेगा मटपोको को, बट मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि आखिरी में जेम्स मटपोको को पकड़ लिया। आई होप मटपोको बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा जेम्स के साथ, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा जेम्स मटपोको को पकड़ लिया, और मटपोको और जेम्स का बॉन्ड भी बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स सी आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कॉमेडी हमको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ कॉल भी बहुत जल्दी एनिमी पर रिटर्न आ सकता है, और मेरा गला बहुत ही ख़राब है क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब है। तो अगर आपका वॉइस सुनने पर कुछ तकलीफें होता है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। उसके साथ साथ सबसे बड़ा न्यूज़, एपिसोड 71 के अंदर जो वॉइस कास्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो गैरी ओक का नाम भी है। यहाँ पर आप ये पढ़ो, ये जो SHIZERU सिजरू है ना, वो गैरी ओक का जापानीज नाम है। तो यहाँ पर गैरी ओक भी हम लोग एपिसोड 71 के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है कि गैरी ओक टीवी स्क्रीन पर और मॉनिटर पर अपेयर हो, बट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, और गैरी ओक एपिसोड 71 के अंदर भी होने वाला है। सो आई होप गैरी ओक को फिर से एक बार देखने के लिए मिल जाए एपिसोड 71 के अंदर, और पोकेमॉन म्यू प्रोजेक्ट म्यू का आर्क है तो आई होप गैरी ओक का भी एक बहुत ही पार्टिकुलर एक बहुत ही अच्छा खासा रोल भी इस एपिसोड के अंदर देखने के लिए मिल जाए।
और मुझे लगता है गैरी ओक बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करेगा। सो लेट्स सी एपिसोड 71 के अंदर क्या होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड के पास। उसके साथ साथ एक कमेंट जरूर कर देना एंड जो जो मैं आपको पूछा था उसका कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।